हेलो बच्चों, आज क्लास 11th का एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। ये यूं कहिए कि 11th का स्टार्टिंग का टॉपिक है, बिल्कुल बस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक 10th क्लास तक आपने जो फिजिक्स पढ़ी वो छोटी सी हलवा थी बिल्कुल। अब बहुत डिटेल में आप फिजिक्स पढ़ेंगे और बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा मैं पहले पढ़ाने के पहले मैं बता दूं कि जरूरी है कि थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा फिजिक्स। फिजिक्स टफ नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि जो घटनाएं आपके चारों ओर घटित हो रही हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन्हीं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। अगर ग्रेविटेशन आप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कोई चीज गिरती है ऊपर से नीचे आती है, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर आप इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि बॉडी में इलास्टिक बॉडी होती है। आप जानते हैं पानी फ्लो होता है, उसमें प्रेशर की वजह से होता है, ये आप सब जानते हैं, ठीक है। इसलिए जो जानते हैं उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इसको टफ नहीं माना जा सकता। चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। देखिए, सबसे पहले बार बार आप जब कोई चीज पढ़ते हैं तो एक वर्ड बहुत कॉमन आता है, फिजिकल क्वांटिटी। एक कॉमन वर्ड चला है जो आप पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। क्वांटिटीज देखिए, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको मेजर किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज को कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। जैसे आपने कहा कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, आपने कहा 200। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन आपने कहा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 200 मीटर पर सेकेंड। आपने कहा फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना है, आप बता सकते हैं 5 न्यूटन। तो जिन क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है दे आर नोन एज फिजिकल क्वालिटी। या यू मैं अगर मैं कहूं मैं बड़ा सुंदर हूं तो आप पूछें कितना, बहुत, कितना, बहुत ज्यादा, कितना, नहीं बता सकता वैल्यू। हाँ, कंपेयर कर सकता हूं किसी से कि फलां से सुंदर हूं, इससे कम हूं, उससे ज्यादा हूं, लेकिन बता नहीं सकता। आई लव माई मदर कितना, टू मच, थ्री मच, बहुत मच, लेकिन कितना नहीं बता सकते आप। तो दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विच आर हैविंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विच आर बेस्ड ऑन सम फिजिकल लॉज, जो फिजिक्स के नियम है, लॉज ऑफ फिजिक्स है जो होल्ड करते हो। अगर आप फोर्स की बात करते हैं, आपने कहा बॉडी इज हैविंग फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो इस फोर्स की एक यूनिट है न्यूटन, इस फोर्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, तो इट हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट हैज अ यूनिट। और फोर्स के बहुत सारे नियम है, बहुत सारे फिजिक्स के रूल हैं जो फोर्स पर बेस्ड हैं या फोर्स को लेकर के बनाए गए हैं। तो दे आर फिजिकल क्वालिटीज, यानी कह सकते हैं कि द क्वालिटीज विच आर हैविंग सम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सम एंड दे होल्ड सम फिजिकल लॉज, ठीक है, इन्हें हम फिजिकल क्वालिटीज कहते हैं। तो जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उन्हें हम फिजिकल क्वालिटी कहते हैं। जितने फॉर्मूले पढ़े हैं आपने, हमने बताया ना कि बहुत सुंदर हूं, बहुत काला हूं, बहुत लंबा हूं, बहुत, तो बहुत लंबा चलो ठीक, एक हाइट दे सकते हैं आप, और मेरा ग्लो बड़ा अच्छा है, कितना है, आई लव दैट माई मदर टू मच, इसकी वैल्यू नहीं दे सकते, तो दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से, दो भागों में बांटा गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए, सबसे इसके बाद आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां हिंदी में कहते हैं इसको, थोड़ा बहुत हिंदी वर्ड बताना पड़ेगा, मूल राशियां कहते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्वांटिटीज हम जानते हैं, अब या तो सबको आप याद करिए, स्पीड क्या चीज होती है याद करिए, फोर्स क्या होता है अलग से याद करिए, एक्सीलरेशन अलग से याद करिए। तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि एक चीज हम पढ़ लें और उस पर बहुत सारे लॉज बनेंगे और उस पर बहुत सारे लॉज का एक कंसेप्ट चलेगा। तो हमने क्या किया कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 7 भागों में बांट दिया, यानी ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। नंबर 1, लेंथ। लेंथ का मतलब यहां लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, विड्थ भी है, थिकनेस भी है। नंबर 2, मास। 3, टाइम।
फोर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फाइव टेम्परेचर, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड सेवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इंटू सेवन पार्ट्स, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दे आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब होता है कि दे आर इंडिविजुअल, यानी दे कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंटली। लेंथ इज नॉट मिक्स विद मास। अगर मैं कहूं कि एक बॉडी की लंबाई 5 मीटर है और उसका मास 5 केजी है, तो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू? तो आप कहेंगे 5 केजी इज द मास, 5 मीटर इज द लेंथ, हाउ कैन वी एड इट? मास कैन नॉट बी एडेड इन टू लेंथ। मास को लेंथ में हम एड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, दे आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। वे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं रहते, इंटरकनेक्टेड नहीं रहते, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज को देने के लिए कुछ यूनिट चाहिए, तो दे आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। अब कोई भी क्वांटिटी आप लोगे तो उसकी यूनिट चाहिए ना। द यूनिट विच एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट। तो लेंथ को मेजर करने के लिए वी यूज मीटर, मास को मेजर करने के लिए वी यूज किलोग्राम केजी, टाइम को मेजर करने के लिए वी यूज द यूनिट सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वी यूज द यूनिट एम्पियर, टेम्परेचर के लिए हमने इस्तेमाल किया केल्विन का, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हमने यूज किया कैंडेला का, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमने यूज किया मोल का। तो दे आर द फंडामेंटल यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज। हम एमीटर को जहां भी इंडिकेट करेंगे वहां एल से लिखेंगे। जहां भी मीटर वर्ड आएगा और उसको इंडिकेट करना होगा, तो वैसे तो एम लिख देते हैं आप, मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहां एल से लिखेंगे। मास जहां पर भी आएगा वहां हम एम का इंडिकेशन यूज करेंगे, टाइम के लिए हम टी का इस्तेमाल करेंगे, एम्पियर के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे, केल्विन के लिए हम थीटा का इस्तेमाल करेंगे, कैंडेला के लिए सी डी का इस्तेमाल करेंगे, और मोल के लिए एमओ एल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज और दे आर फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप कह सकते हैं कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इंटू सेवन पार्ट्स, दे आर इंडिपेंडेंटली ट्रीटेड, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस दीज क्वांटिटीज दे आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स हम कहते हैं। इसके बाद आता है कि डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। डिराइव्ड यूनिट नाम से लग रहा है डेरिवेशन होता है, ठीक है। इसके पहले दो यूनिट और लिख दीजिएगा, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, देखिए जब इंटरनेशनल मेजरमेंट की जो कमेटी है, फिर इसमें एक शहर है सेव्र, वहां इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर मेजरमेंट एक जगह है, वहां पर सेव्र नगर है, वहां पर ये सब यूनिट्स दी गई थी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। वहां पर जब सब लेंथ की यूनिट, मीटर और टाइम की सेकेंड, मास की केजी सब दे दी गई, तो ये कहा गया कि अगर आपको एंगल मेजर करना हो, तो एंगल का फार्मूला हमने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस। ये हमने एंगल का फार्मूला पढ़ा है कि कोई भी अगर सर्कल ले लें, उसका कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल सप्रेंड करता है, ये एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज अ लेंथ, रेडियस इज अ लेंथ,
यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर एंड मीटर, मीटर मीटर कैंसिल आउट, इट हैज नो यूनिट, तो आप एंगल क्या बोलेंगे, एंगल 60 क्या? तो इसके लिए एक सप्लीमेंट्री यूनिट दी गई रेडियन, तो रेडियन इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट गिवन टू द एंगल। सप्लीमेंट्री इसलिए कह रहे हैं कि इसकी यूनिट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे आप एक स्फीयर ले लीजिए, एक पूरा स्फीयर ले लीजिए, इस प्रकार से 3D तो हम नहीं बना पाएंगे, ये स्फीयर ले लीजिए, जैसे फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल देखा बहुत सारे पैचेस होते हैं ऐसे छोटे छोटे, ठीक है, और उसका एक छोटा सा एरिया आप ले लीजिए, इसका एरिया ले लीजिए डेल्टा ए, तो ये पूरा एरिया सेंटर पे जो एंगल सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो एक्चुअली में एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसको भी यूनिट दी गई स्टे रेडियन। तो दीज आर टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टे रेडियन, इसको डिटेल में आगे बाद में बताया जाएगा। ये है आपकी ड्राइव यूनिट, सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट। इसके बाद बात करते हैं ड्राइव यूनिट, ड्राइव यूनिट, डिराइव, नाम से लग रहा है ड्राइव मतलब होता है कहीं से डेरिवेशन करके लाया गया, कहीं ड्राइव किया गया होगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं आप, मैं आपसे कहूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो आप कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मीटर इज व्हाट, मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, हमने दो फंडामेंटल यूनिट को यूज किया और आई हैव गॉट द यूनिट ऑफ एरिया। तो आप डिराइव्ड यूनिट की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, द यूनिट विच आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में ला सकते हैं, की हेल्प से बना सकते हैं, दे आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट। इन सात जो अभी हमने बताई, इसके अलावा जितने भी फॉर्मूले आपके पास हैं, एरिया हो, वॉल्यूम हो, डेंसिटी हो, स्पीड हो, फोर्स हो, एक्सेलरेशन हो, स्ट्रेस हो, स्ट्रेन हो, कोई भी हो, सब क्या है, सबकी यूनिट क्या कहलाएंगी, ड्राइव यूनिट। जैसे मान लिया मैं बात करूं स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो मीटर इज वॉट, मीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड इज वॉट, सेकेंड इज अ फंडामेंटल यूनिट। दो फंडामेंटल यूनिट को जब हमने इस प्रकार से डिवाइड में लिख दिया तो इट गिव्स द यूनिट ऑफ अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड भी कह सकते हैं और वेलोसिटी की भी ये यूनिट होगी, तो दिस इज डिराइव्ड यूनिट। तो कोई फॉर्मूला आप ले लीजिए, मान लिया आपने डेंसिटी लिया या आपने फोर्स लिया, तो फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास का केजी होता है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, केजी फंडामेंटल यूनिट, मीटर फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट। तो एक केजी लिया, एक मीटर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, अपॉन दो सेकेंड नीचे लिए, मल्टीप्लाई किए, वी गेट द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये यूनिट जो फोर्स की होगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो पहली चीज व्हाट इज, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। अब बात करते हैं डायमेंशंस क्या होती है, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए डायमेंशन होती क्या है, मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं और ये गारंटी है कि इसकी डेफिनेशन अपने आप लिख लोगे आप। देखो ध्यान से, मैं बात करने जा रहा हूं डायमेंशंस, डायमेंशन इसको विमा कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में विमा कहते हैं। देखिए मैं एक फॉर्मूला लेता हूं एरिया, तो आप कहेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती मीटर और ब्रेथ की यूनिट क्या होती मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। और अभी हमने बताया था जब मीटर जहां पर आएगा उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, एल की पावर टू। जरा समझिएगा एरिया क्या है, आप कहेंगे एरिया इज अ
फिजिकल क्वांटिटी, एरिया जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक भौतिक राशि है, ठीक है। एल क्या है, मीटर के इंडिकेट किया है, एल जो है ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। तो ये जो पावर लगी ये क्या है, इसी को डायमेंशन कहते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए डायमेंशन क्या होगी, तो हम कहेंगे डायमेंशंस आर द पावर, क्या होती, पावर होती है रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट टू गिव एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट पावर वी आई हैव रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट आर नोन एज डायमेंशंस। तो ये डायमेंशन क्या होती है, इसकी पावर, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन लिख लेंगे। अब जरा कुछ फॉर्मूले देख लीजिएगा। देखिए जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं, मैं बात एरिया की कर रहा हूं, स्टार्टिंग करता हूं। आपने कहा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ की मीटर यानी एल, ब्रेथ की मीटर यानी एल, एल स्क्वायर। तो एरिया का ये जो एल स्क्वायर है ये क्या है, इसको कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या कहलाता है, डायमेंशनल फार्मूला। और ये जो पावर है इसको क्या कहते हैं, डायमेंशन। लेकिन एग्जाम में आता है कि राइट द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन ऑफ एरिया लिखेंगे आप एल स्क्वायर, ऐसा नहीं कि आप पावर लिख देंगे टू केवल, लिखेंगे एल स्क्वायर। लेकिन मान लें कोई आपसे पूछ रहा हो कि बताइए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, आप कहेंगे एल स्क्वायर, यू आर राइट, सही है, आंसर मिल गया। उसने कहा इज इट द डायमेंशन, तो थोड़ा वहां रुक जाइए, उसे कहिए नो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द पावर विच आई हैव रेज्ड ऑन एल, जो हमने एल पर पावर चढ़ाई है उसको हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ फार्मूले हम लिख रहे हैं, उस शॉर्ट में हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला, डीएफ लिखेंगे। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम, अब आप कहेंगे भाई किसका वॉल्यूम, थे कोई भी वॉल्यूम हो, उसकी यूनिट जो है मीटर क्यूब होती है। जैसे आप मान लिया आपके में सिलेंडर का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर होता है, और आप लिखोगे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आर की यूनिट आर रेडियस है, रेडियस की यूनिट मीटर होती है, आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, एच हाइट है, हाइट की मीटर होती है तो इनटू मीटर, तो अल्टीमेटली यूनिट वही मिलेगी आपको मीटर क्यूब। देखिए तो लेंथ की एल, ब्रेथ की एल, हाइट की एल, इसको एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बंद करने की प्रथा है, तो आप बंद करिएगा, तो एल क्यूब, ये क्या मिला आपको, डायमेंशनल फार्मूला, किसका, वॉल्यूम का। अगर एग्जाम में आ जाए कि राइट द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो सिंपली एल क्यूब लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई कभी डायमेंशनल डायमेंशन लिख के आती है, कभी डायमेंशनल फार्मूला लिख के आता है, तो दोनों की चार चीजें सेम है। इसी प्रकार से जैसे मान लिया हम बात करें डेंसिटी की, फार्मूले आने चाहिए आपको। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। मास का क्या होता है, एम, और वॉल्यूम का निकाल चुके हैं, इसमें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, एल क्यूब, इसको ऊपर ले जाओ तो एम एल टू पावर माइनस थ्री, हम पढ़ते हैं एम एल माइनस थ्री, ये गलत है, या तो कहिए एम एल टू पावर माइनस थ्री, या लिखिए एम एल इनवर्स थ्री। इनवर्स मतलब होता है पावर नेगेटिव में है, तो ये डेंसिटी हो गया। और कुछ फॉर्मूले देख लीजिएगा, जैसे हम बात करें स्पीड की, जैसे स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की बारे में बात करें, फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं उस तरह पर कट जाए वीडियो। हम स्पीड की बात करें या वेलोसिटी के बारे में बात करें, वेलोसिटी तो क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड के लिए और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के लिए अपॉन टाइम। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें इसका, तो डिस्टेंस मींस लेंथ, इसका डायमेंशन क्या होता है, एल, और टाइम का टी, इसका क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स वन, ये आपका स्पीड या वेलोसिटी होगी। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, तो हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो वो वेलोसिटी बोले
या चेंज इन वेलोसिटी बोले दैट इज वेलोसिटी। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वेलोसिटी का आप निकाल चुके हैं एलटी इनवर्स वन। अब ये नहीं कहना चेंज है इसलिए आप कुछ और लिखिए डेल्टा लगा दीजिए, नहीं। वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम का क्या होगा टी, इसको ऊपर ले जाओ एलटी इनवर्स टू। इसी प्रकार से जैसे मान लिया फोर्स के बारे में बात करें, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये निकल रहा है डायमेंशनल फार्मूला। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे आप तो एम का एम होगा और ए का आप पढ़ चुके हैं एलटी इनवर्स टू, तो फोर्स का क्या होगा एम एल टी इनवर्स टू। कुछ फॉर्मूले लिख दे रहे हैं और बहुत सारे बुक्स में लिखे हुए हैं फॉर्मूले, उन्हें आप एक बार देख लेंगे। इसी प्रकार से जैसे हम बात करें वर्क की, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं तो फोर्स का निकाल चुके हैं एम एल टी इनवर्स टू और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा डिस्टेंस है एल, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। तो ये वर्क का होता है, वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। तो एनर्जी कोई भी हो चाहे वो काइनेटिक हो, जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले भी लेते हैं, मान लिया हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला आपने पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर। अब जरा डायमेंशन देखते हैं, एम हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो एम की हो गई एम और वी की आपने क्या पढ़ी है एल टी इनवर्स वन और इसका स्क्वायर करिए तो एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। देखिए ध्यान सेम आ रही नहीं आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, स्थिति ऊर्जा हो चाहे वो वर्क हो, उसकी एनर्जी उसकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे हम बात करें प्रेशर की, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की क्या निकाला है आपने एम एल टी इनवर्स टू और एरिया की एल स्क्वायर, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो आएगी एम एल इनवर्स वन टी इनवर्स टू। इस प्रकार से बहुत सारे करीब 30-40 फॉर्मूले लिखे हुए हैं एनसीईआरटी, तो शायद 70-80 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन्हें सब आप देख लेंगे। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आप नहीं जानते लेकिन इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उन्हें आपको डायरेक्ट पढ़ लेना है और जो आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे वो फॉर्मूले लगातार आते जाएंगे। तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूले हैं और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे मान लिया हम मोमेंटम के बारे में बात करें, मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास की डायमेंशन एम, वेलोसिटी की एल टी इनवर्स वन, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स वन। तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले हैं किताब में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड ही है। एक बार ध्यान रखिएगा जो एनसीईआरटी या सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई बोर्ड से है, फिजिक्स का पेपर बड़ा टेक्निकल आपका आता है, बहुत टेक्निकल आता है, तो उसके लिए बहुत ध्यान से, मतलब ये नहीं कि आपने बस ऊपर ऊपर पढ़ लिया, नहीं, उनका पेपर ऐसा बनता है जैसे किसी कहीं इसरो से बनवा के लाए, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पेपर आता है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन आंसर है उन्हें पूरे करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे और जो एग्जाम्पलर है वो भी करनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, साइंस साइड टफ नहीं है लेकिन समय मांगती हो, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।